के लिए इकट्ठा हुए हैं। भारत के रिपब्लिक डे एक पूर्व नहीं बल्कि गौरव और सम्मान है। यह दिवस हर भारतीय का अभिमान है। अनगिनत लोगों की कुर्बानी के बाद हिंदुस्तान को आज़ादी मिली। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी, लेकिन उसे स्वतंत्रता 26 जनवरी 1950 को मिली। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान, भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों के साथ भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गवर्नमेंट हाउस के दरबार हॉल में भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। भारत के पहले रिपब्लिक डे के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे। रिपब्लिक डे का अर्थ है देश में रहने वाले लोगों को सर्वोच्च शक्ति और सही दिशा में देश के नेतृत्व के लिए प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार जनता को है। इसलिए भारत रिपब्लिक देश है जहां जनता दौड़ लगा का एक चक्कर मार का ग्राउंड का के रूप में कुछ है। भारत में ले भैया का बनाती रहे, ऐसी वीडियो बनाती रहे। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत संघर्ष किया, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। हमारे देश के महान नेता और स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, लाल बहादुर शास्त्री आदि है। भारत को आजाद देश बनाने के लिए इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ी। हम इनके समर्पण को कभी भूल नहीं सकते और हम बिना किसी दबाव के अपने राष्ट्र में मुक्त होकर रह सकते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा है कि अगर एक देश भ्रष्टाचार मुक्त होता है तो सुंदर मस्तिष्क का एक राष्ट्र बनता है। उनका मानना था कि 3 प्रधान सदस्य हैं जो अंतर पैदा कर सकते हैं, जो वो हैं माता पिता और एक गुरु। भारत के नागरिक होने के नाते